हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। कभी कभी हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें सेलेक्टेड पार्ट पर, देखिए ये डेटा जो मेरे पास है छोटा सा ही डेटा है, लेकिन अगर आपके पास बड़ा हो तो आप बड़ा डेटा सेलेक्ट कर लें, तो सेलेक्टेड पार्ट पर हमें थिक बॉर्डर लगाने की जरूरत पड़ती है। देखिए ऑल बॉर्डर मैंने पहले ही बताया था, आपको ऑल बॉर्डर अगर लगाना हो तो आपको प्रेस करना है ऑल्ट एच बी ए, तो आपको क्यों क्या प्रेस करना है ऑल्ट एच बी ए, तो यहां पे देखिए ऑल बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन यही ऑल बॉर्डर आपको अगर हटाना हो तो इसके लिए भी मैंने बताया था, इसके लिए मैंने क्या बताया था, अगर ऑल बॉर्डर आपको रिमूव करना हो तो आपको प्रेस करना है ऑल्ट एच बी एन, क्या प्रेस करना है ऑल्ट एच बी एन। तो देखिए ये रिमूव हो गया, देखिए यहां पे क्लिक कर रहा हूं बाहर तो आपको दिख रहा होगा कि ये रिमूव हो गया है। लेकिन हमें थिक बॉर्डर चारों तरफ लगाना हो, केवल चारों तरफ थिक बॉर्डर लगाना है, आउटसाइड में लगाना है, तो क्या करेंगे, कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे, तो इसके लिए हम यूज करेंगे अल्ट एच बी एस। आपको क्या यूज करना है अल्ट एच बी एस, तो ये जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए चारों तरफ थिक बॉर्डर लग गया, ये देख रहे हैं बॉर्डर लगा हुआ है। ठीक है, आई होप की बात समझ में आई होगी।